Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So, सबसे पहले आज थोड़ा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं. आज का वीडियो का शुरुआत करेंगे उसके पहले वी विल डिस्कस फ्यू पॉइंट्स, राइट? सो सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीजें आज डिस्कस करना चाहता हूँ एंड लेट मी टॉक विद द डेटा एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, सो सबसे पहले चीज, काफी दिन से, आई थिंक काफी महीनों से लोग चिल्ला रहे थे, गा रहे थे एटीए मार्केट गिर जाएगा. नाउ दे ऑल आर शाउटिंग फ्रॉम द रूफ कि जैसे हमने बोला था आ रहे थे एटीए मार्केट गिर जाएगा, ये वो वॉट एवर, राइट? सो लेट्स ट्राई टू पॉइंट आउट, या आर एस आई एटी कहाँ पे हुआ, लेट्स ट्राई टू सी दिस. यहाँ पे, राइट? यहाँ पे आर एस आई एटी हिट हो गया, यस. सो ये महीने का लो क्या है? 23,992, मतलब 24,000 जब था तब आर एस आई एटी हुआ, उसके अगले महीने आप मोटा मोटी 24,000 पकड़ो, यू नो. सो ये दो महीने में वी आर वी रीच टू द आर एस आई एटी. इसके ऊपर आर एस आई एटी रहा, कोई यहाँ पे बोल रहा था बहुत बढ़ गया है, कोई यहाँ बोल रहा था बहुत बढ़ गया, कोई यहाँ पे बोल रहा था, अब सब लोग बोल रहे, देखो हमने बोला था, हमने बोला था, राइट? बट स्टिल आर यू डाउन और स्टिल यू आर इन टू दैट रेंज ओनली? दैट्स माई फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, हिस्टोरिकली ओवर बॉट मार्केट टेंड टू बी ओवर बॉट. एंड अगर आपको ये चीज देखना है, समझना है, तो मेरा पुराना वीडियो होगा आर एस आई के ऊपर, उसको जाके देखिए हाउ ओवर बॉट कंडीशन आर वेरी गुड, नॉट वेरी बैड. इफ यू पुट द 10 times सच सिनेरियोस, 7 to 8 times you made money, you made lot of money, and very less time you lose money, right? जैसे 70 के ऊपर आर एस आई चला गया, यहां पे 70 के ऊपर चला गया, what happened after that? बोलते जी ठीक है, आर एस आई यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, कॉन्सोलिडेट हुआ, बट यहाँ पे आर एस आई 70 के ऊपर हिट हुआ ये पॉइंट पे, उसके बाद कॉन्सोलिडेशन हुआ, देन ब्रेकआउट. देन यू लुक एट सिनेरियो हियर, यहाँ पे आर एस आई ओवरबॉट हुआ, 2 साल तक मार्केट गिरा नहीं, और उसके बाद कोविड के बाद गिरा, राइट? वो कोविड था, उसके बाद भी तेजी हुआ. देन लेट्स सी द सिनेरियो, 70 यहाँ पे, 80 तो टच हुआ नहीं है, तो हम 70 की बात करते हैं यहाँ पे, जो नॉर्मली लोग यूज करते 70-30. हियर आर एस आई बिकम ओवरबॉट, तेजी फिर पुल बैक आया, बट स्टिल उसके नीचे नहीं गया है. देन यस, यहाँ पे आर एस आई, यस 70 के ऊपर गया, यहाँ पे हाँ 70 के ऊपर ये रहा, पर गया, पुल बैक आया, देन ब्रेक. देन लेट्स ट्राई टू सी हियर, अगेन 70 के ऊपर गया, यहाँ पे कॉन्सोलेशन हुआ, फिर बूम, फिर यहाँ पे आर एस आई, आप देखो यहाँ पे आर एस आई 80 पहुंच गया था ये कैंडल में, या एक करेक्शन आया वो 2006 में एक महीने के लिए, और उसके बाद बूम, राइट? 150%. So what I'm trying to say is that are you focusing on this part? Are you focusing on this part? Are you focusing on यहाँ पे था, yes. आपको क्या फोकस करना है? आपको ये फोकस करना है, या आपको ये फोकस करना है, आपको ये फोकस करना है, या ये फोकस करना है? What you want to do? Focus. फिर यहाँ पे 85 हो गया, ऐसे 80-85, राइट? उसके बाद एक बहुत बड़ा 2008 में मार्केट, ग्लोबल मार्केट में क्रैश शुरू हुआ यार, उसके बाद ये सेलिंग आया, कंटिन्यू हुआ 6 महीने के लिए, फिर अगेन वापस. सो वॉर, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, वेयर यू वॉन्ट टू फोकस एज ए इन्वेस्टर, राइट? ऑन सच थिंग्स. See, as a trader, it's a different story. But I'm talking about as an investor where you should focus. Yeah.
सो मेरा पॉइंट यही है कि बाजार एक दिन गिरेगा, आई एग्री विद यू, ये 2003 से 2008। अगर आप वही गिरने के चक्कर में, ओवरबॉट के चक्कर में, तो आप यहां निकल जाते कहीं पे, आप यहां पे निकल जाते, राइट? सो ये ओवरबॉट जगह आप यहां निकल, यहां निकल, उसके बाद भी अगर आप यहां निकलते तो भी यू आर, आप ये दो लोगों से आगे ही हो यहाँ पे। सो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ओवरबॉट कंडीशंस टेंड टू बी ओवरबॉट, एंड दैट्स ऑलवेज अ गुड फॉर द मार्केट, नॉट बैड फॉर द मार्केट। नाउ लेट्स कम टू द व्हाट इज हैपनिंग नाउ। सो सबसे पहले चीज, हम मंथली ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं। मंथली ट्रेंड में अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक आया हुआ है। वीकली में भी आगे देखेंगे, अप ट्रेंड इंटैक्ट है, पुल बैक आया हुआ है। डेली में भी देखेंगे अप ट्रेंड, यहाँ पे थोड़ा चैलेंज हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सेलिंग आया है, तो मेरे अकॉर्डिंगली डेली का ट्रेंड भी अभी प्रॉब्लम में आ चुका है। माइनर और डेली दोनों डाउन ट्रेंड में है, बट मार्केट का जो देखेंगे तो मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। कहाँ से रिवर्स होगा, मे बी मंडे को यहाँ पे एक और पैनिक कर दे इसके नीचे, मान लो 24,000 23,900 के नीचे एक बार पैनिक कर दे, लोगों को पैनिक में ला दें, उसके बाद रिवर्स हो। बट आइडियली एक बाउंस बैक आना चाहिए, दैट शुड लीड टू दिस अराउंड, ये जोन के आसपास जाए, फिर वहां से सेलिंग आएगा तो यू कैन डेफिनेटली लुक। बट आज मैं आपको एक लेवल्स बताऊंगा, बाजार जब इसके ऊपर निकल जाए तो आपको सेलिंग का माइंडसेट चेंज करना है, तब तक आपको ये सोचना है कि ऊपर में हाउ यू कैन लुक फॉर लो रिस्क सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्या, क्योंकि अभी ये डेली में भी ये यहाँ पे फॉल ऑफ सेलिंग आया है। सो नाउ जब तक बाजार अब इसके ऊपर जाता नहीं है, तब तक डेली का भी ट्रेंड में नेगेटिविटी है। सो नाउ लेट्स लुक एट द निफ्टी। सो इफ यू रिमेम्बर, हमारे पास लॉन्ग था, हमने यहाँ पे कहीं पे एग्जिट मार दिया, स्टिल वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज जब सब ट्रेंड है और एक ट्रेंड ऐसे होता है, तो वी डोंट ट्राई टू काउंटर ट्रेंड, बिकॉज काउंटर ट्रेंड अगर आपको लगेगा हाँ यार यहाँ पे तो आप मिस कर गए, तो फिर यहाँ पे फंस भी जाते, यहाँ पे भी फंस जाते। सो अगर नेट टू नेट आप कैलकुलेशन करेंगे ये सब ट्रेड मिला के लॉन्ग शॉर्ट, तो आप काउंटर ट्रेंड में नेट टू नेट मैथमेटिकली यू विल नेवर मेक लॉन्ग मनी, यू विल ऑलवेज मेक मोर मनी व्हेन द ऑल ट्रेंड्स आर अलाइन। सो आई थिंक वी आर ओके बाय द प्रोसेस, वी आर नॉट वरीड कि यहाँ पे ये यहाँ पे तो आप कर नहीं सकते थे, यहाँ पे मैं भी कहीं पे शॉर्ट किया है। यू मिस दिस इज दैट फाइन, बिकॉज दैट्स बाय द प्रोसेस यू मिस्ड इट, नो राइट? सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट कि वीकली में जिस तरह से ऊपर नीचे आया, मे बी इसको एक बार पैनिक में काटे, फिर ऊपर आने की कोशिश करे, यहाँ पे कहीं पे पुल बैक करे एंड फिर एक सेलिंग आता है, सो देन इट मार्केट अपने को ये भी दिखाएगा कि वीकली में भी ट्रेंड चेंज हुआ है। बट अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे मंथली वीकली, तो ये चांसेस है कि वी कैन हैव अ पुल बैक। सो नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट व्हाट हैपेंड यस्टरडे। अब निफ्टी देखेंगे, 200 पॉइंट डाउन था कल, बैंक निफ्टी प्रेशर में आ गया, 1.44% 700 पॉइंट डाउन है। देन स्मॉल कैप इंडेक्स वैसे भी प्रेशर में था, 2.20% डाउन है। सो लेट्स ट्री माइनर टाइम फ्रेम अभी भी वीक है, जो यहाँ पे वीकनेस हुआ था वो वीकनेस कैरी फॉरवर्ड हुआ है अभी तक। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द पॉइंट्स। बाजार जब मोटा मोटी 25,000 के ऊपर सस्टेन हो जाए, सो लेट मी हाईलाइट। ये जोन के ऊपर जाके सस्टेन हो जाए और फिर ब्रेकआउट करे, तो आप समझ लेना है ये जो सेलिंग हुआ है वो चेंज होने के चांसेस ज्यादा है, और फिर मार्केट धीरे धीरे ऑल टाइम हाई की तरफ। बट जब तक ये नहीं क्रॉस होता है, तब तक वी शुड नॉट एज्यूम कि ये ट्रेंड चेंज हुआ है। सो आई थिंक, आई होप यू शुड हैव दैट क्लैरिटी। नाउ लेट्स लुक एट द माइनर टाइम फ्रेम।
माइनर टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बाजार को आप सबसे पहले ये एक एरिया है 24,000 मोटा मोटी 500, इसके ऊपर जल्दी ऊपर चले जाना चाहिए बिकॉज ये कल मैंने एडजस्टमेंट किया है, ये कहीं ना कहीं ये एरिया है, ये बेसिकली मार्केट ये एरिया के नीचे लंबे टाइम तक नहीं टिकना चाहिए, नहीं तो दैट इज नॉट अ गुड मैसेज फॉर द स्ट्रक्चरल तेजी, या कि जो आफ्टर इलेक्शन बिफोर 3 स्टेट इलेक्शन जो तेजी हमने देखा, अगर बाजार इसके ऊपर जो लंबे टाइम तक नीचे रहा और फिर सेलिंग आता है ना, तो दैट विल बी अ नॉट गुड मैसेज फ्रॉम द मार्केट। सो नाउ लेट्स लुक एट द माइनर। सो आई होप यू आर क्लियर, ये दो जोन है, इसके ऊपर मार्केट कुछ सूनर और लेटर मतलब नेक्स्ट फ्यू डेज और मे बी एक आध दो हफ्तों में ऊपर चला जाना चाहिए रेदर देन स्टेइंग बिलो। सो अब सबसे पहले एक जोन है 24,462, यहाँ पे अगर बाजार आएगा तो सबसे पहले वायर का टेस्ट होगा, या सो यहाँ पे आपको देखना है, अगर सिस्टम करके नीचे आने की कोशिश करता है तो यू कैन लुक फॉर सेलिंग इन इंट्राडे। देन एक दूसरा जोन है 24,620 से 640, ये जोन में भी अगर आपको मार्केट यहाँ पे कहीं पे मिलता है और फिर नीचे जाने की कोशिश करता है तो यू कैन लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट। देन मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है 24,850 से 880, ये जोन भी एक सेलर्स का जोन है, ये भी एक सेलर का जोन है, ये मल्टीपल एरियाज है जहां पे बायर्स को मार्केट टेस्ट करेगा, राइट। अब बाय कब कर सकते हो, मान लो यहाँ पे एक ऊपर में एग्रेसिव गया फिर पुल बैक किया, इस तरह से पुल बैक होता है और फिर ब्रेकआउट आता है तो यू कैन लुक फॉर, ये आपको 24,462 474 के एक एरिया है वहां पे यू कैन लुक फॉर लॉन्ग, बट लेट मार्केट क्लियर फर्स्ट टेक एक ऊपर का ट्रेंड रेदर देन प्रेडिक्टिंग द लॉन्ग साइड, या बिकॉज अब अपना डेली ट्रेंड भी चैलेंज हो चुका है तो अब वी हैव टू वेट। मुझे भी पता है कि बाउंस होने के बहुत चांसेस है, बट लेट्स बी नॉट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एंट्री हम लेंगे दैट्स फाइन, बट वी शुड हैव कंफर्मेशन, या एंड देर इज ऑलवेज अ कॉस्ट एंड गेन फॉर द कंफर्मेशन, राइट, रेदर देन प्रेडिक्टिंग। सो आई होप यू आर क्लियर कि कैसे टुमारो का मार्केट को अप्रोच करना है। चांसेस है कि मार्केट ये जो रिसेंट ब्रेकडाउन था उस एरिया में भी जा सकता है। नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मंथली ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉन्सोलिडेशन चल रहा है। देन इफ यू लुक एट द वीकली, वीकली में भी देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉन्सोलिडेशन चल रहा है। देन इफ यू लुक एट द डेली, डेली में भी आप देखेंगे अप ट्रेंड इंटैक्ट है, जब तक ये लो को काटता नहीं बाजार, पुल बैक आया हुआ है, डीप पुल बैक है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो 7 तारीख का लो था वो बैंक निफ्टी ने स्पॉट में अभी तक ब्रेकडाउन नहीं किया है, या ऊपर में सस्टेन नहीं रह रहा है, नीचे में भी सस्टेन नहीं रह रहा है। सो बैंक निफ्टी को अपने को ऑब्जर्व करना है कि क्या बैंक निफ्टी यहां से ब्रेकआउट करता है या नहीं करता है, ब्रेक डाउन करता है, या सो नाउ लेट्स लुक एट द लेवल्स। आपको याद होगा हमने यहाँ पे बोला था कि ये एरिया में यहाँ पे फिर से सेलर्स दिख सकते हैं, एग्जैक्टली वहां से सेलर्स आए और नीचे में ब्रेक डाउन कर दिया। सो अगेन फॉर टुमारो 51,354 400 एक जोन है, वहां पे सस्टेन होकर नीचे जाए तो यू कैन लुक फॉर शॉर्ट। देन उसके बाद 51,650 to 600 का जोन है, उसके बाद ऊपर जाके नीचे जाने की कोशिश करें, देन यू कैन लुक फॉर शॉर्ट। जैसे ही ये लेवल को क्रॉस करेगा तो ऊपर जाने के चांसेस है 52,350 से 52,432, ये फाइनल रेजिस्टेंस है सेलर्स का। इसके ऊपर जाके सस्टेन हो गया मोटा मोटी 52,700 800 के जेन में, ये जोन में 52,600 से 700, तो आप समझ लो बैंक निफ्टी इज गेटिंग रेडी फॉर ऑल टाइम हाई। सो जैसे ही ये ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट नीचे का एरिया सीधा ओपन हो जाता है 49,000 to 49,200। सो ये एरिया में ये एग्रेसिव बाइंग एरिया है, यहाँ पे हम देखेंगे कि बायर्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। या नाउ लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, अभी तक कोई चेंज नहीं है। 1 month डाउन डज नॉट मीन ट्रेंड इज डाउन, या वीकली में भी देखेंगे अप ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है, ये जो रिसेंट लो बना के मार्केट ने नया हाई बनाया था उसके नीचे अभी तक गया नहीं है बाजार और सस्टेन होके मान लो यहाँ पे ऊपर जाके फिर ब्रेक डाउन करेगा तो ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। डेली में भी देखेंगे कोई ट्रेंड में चेंज नहीं है, ये जो रिसेंट लो है, राइट।
देन माइनर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो थोड़ा वीकनेस है, बट डेली टाइम फ्रेम में कोई वीकनेस नहीं है, वीकली में कोई वीकनेस नहीं। एंड ये जो ट्रेंड शुरू हुआ जिसको मैं लाउड स्पीकर बोलता हूँ, राइट, सो मार्केट इज स्टिल इन टू द अप ट्रेंडिंग जोन। अगर आप ये लाउड स्पीकर को देखेंगे तो क्या लगेगा, सो जैसे ही बाजार ये लाउड स्पीकर को ब्रेक डाउन करके यहाँ पे बाहर चला जाएगा और फिर ब्रेक डाउन आएगा, तो ये ट्रेंड चेंज हो गया है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड देन यू नीड टू रेज द कैश इनटू स्मॉल कैप एंड ऑल दैट। या सो तब तक यहाँ पे भी अपने को लगता था ये ट्रेंड चेंज हो गया, फिर तेजी हो गया, फिर यहाँ पे भी लग रहा था तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो स्टिल यू मेड, यहां से अगर हमने शुरू किया तो यू कैप्चर 100%। अगर 120% ऊपर गया, आपने 100% कैप्चर कर लिया, तो यू डन योर जॉब वेरी वेल, राइट। वी आर नॉट हियर टू फाइंड टॉप एंड बॉटम, वी आर नॉट हियर टू फाइंड टॉप एंड बॉटम, एम आई राइट? या सो दैट्स व्हाट द मैसेज फ्रॉम द मार्केट। थैंक यू सो मच। एंड आप सबका भी कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, तो हमें भी पता चले कि आपको हमारा ये सीरीज कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच।